नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। आज आपके डायरेक्ट लाइव क्लास में हम देख रहे हैं, आज देखने वाले क्रिस्टल स्ट्रक्चर में देखेंगे आज हम NaCl, सीजियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड और कैल्शियम फ्लोराइड। यहां पर आपने सबसे पहली बात है कि NaCl का स्ट्रक्चर देख लिए हैं और ये अगर आपको समझ में आ गया और इस पे आपने प्रैक्टिस किया है तो ये सब आप सबके लिए कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। बस एक समझना बहुत जरूरी था। इनकी हमने पूरी क्लास लिए है तो उसे हम आगे बढ़ाते हैं। हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, फिर उसमें कैसे फिल करेंगे ये भी देखा, और उसमें हमने देखा था कि ये क्रिस्टल जो होते हैं यानी यूनिट सेल जो होते हैं इसके, वो किस टाइप के होते हैं और इसमें Na प्लस और Cl माइनस की संख्या कितनी होती है। साथ में आपने यहाँ पर देखा कि इसके कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होते हैं और त्रिज्या अनुपात यानी रेडियस रेशियो क्या होता है। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पर देखा था, तो यहाँ पर भी वही देखेंगे, यहाँ पर भी वही देखेंगे, यहाँ पर भी वही देखेंगे। अब बुक में जाएंगे तो बुक में सबसे पहले NaCl, फिर दूसरा सेकंड जो है सीजियम क्लोराइड, थर्ड जो है जिंक सल्फाइड और फोर्थ जो है कैल्शियम फ्लोराइड होता है। पर मैं आपको इस ऑर्डर में पढ़ाऊंगा तो आपको हर बार एक नई स्ट्रेटेजी अपनाने पड़ेंगे, आपको समझने में थोड़ी तकलीफ हो सकती है। मेरा स्ट्रेटेजी ये कहता है कि मैं पहले NaCl को समझा दूं, उसके बाद मैं समझाऊंगा ये वाला कैल्शियम फ्लोराइड, फिर इसको समझाऊंगा, फिर इसके बाद सीजियम क्लोराइड को लास्ट में समझाऊंगा। तो आप सब मेरे क्लास में आ चुके हैं और आप सबको मेरे क्लास में वेलकम, स्वागत है सबको, गुड मॉर्निंग। चलिए सुबह सुबह हम अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। अब आपने सोडियम क्लोराइड में क्या देखे थे, थोड़ा सा रिविजन कर लें, चूंकि ये स्ट्रक्चर आपको बनाने आ जाता है और मैंने आपको बनाना सिखा दिए हैं, इसलिए मैं आपको कहूंगा कि इस स्ट्रक्चर को एक बार हल्का सा रिमाइंड कर लें ताकि हम दूसरी चीजों को समझ सकें। तो आपने क्या देखा है, हम यहां पर NaCl में दो आयंस होते हैं, एक होता है Na प्लस और दूसरा होता है Cl माइनस। तो हम Na प्लस आयन को और Cl माइनस आयन को कैसे दर्शाएंगे। Na प्लस आयन को हमने एक खोखले गोले से या व्हाइट गोले से दर्शाया है और Cl माइनस को हमने एक भरा हुआ गोले से दर्शाया है। तो इसमें आपने कैसे भरा है, आप जानते हो एक नीले रंग का बड़ा एक क्यूब नजर आ रही है, आप देख लीजिए। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, आप जानते हो इसका यूनिट सेल कैसा होता है, FCC होता है। तो FCC होने का मतलब क्या हुआ, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यानी कि कोनों पर भी और फेस पर भी। तो ये इसमें कोन है, ये देखिए इसमें 8 कोने हैं मेन क्यूब में, इस तरह से आपने पढ़ा है तो पूरी बातें आपको याद है, आपको यहां पर मुझे फुल एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। जिन बच्चों को लग रहा हो कि ये जगह पे सर मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं कहूंगा इससे पहले वाले क्लास को आप अच्छे से देख लो, तब फिर इस क्लास में आओ, क्योंकि ये क्लास बिल्कुल पीछे वाले क्लास से लिंक है, ठीक है। तो यहां पर देखें, यहां पर देखें इस तरह से क्या हो रहा है कि कहां पर है, कोने पर है ये Na प्लस सॉरी Cl माइनस। अब और कहां पे, फेस सेंटर्ड, तो ये ऊपर वाला फेस, फेस मतलब क्या हुआ, दीवाल, ऊपर वाला दीवाल का सेंटर पॉइंट ये है, नीचे वाला दीवाल का सेंटर पॉइंट ये है, इस पर है। और दूसरी बात कहां पे होगी, ये साइड वाला 1, ये 2 और ये 3 और ये 4, तो ये इसका साइड सेंटर ये हुआ फेस का। और इस तरह से हमने इनमें न्यूमेरिकल्स भी कर डाले हैं। चलिए तो इस तरह से ये हो गया 8 कोनों पर और 6 फलकों के केंद्र पर, कौन है ये क्लोराइड आयन है। तो Na कहां पे है, Na है आप देख रहे हैं कि ये देखो हमने बोला था 99 पॉइंट्स, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऐसे करके फिल किया था ताकि आप आसानी से समझ सकें। रियल में ऐसे फील करना चाहिए, पर हमने उस तरह से क्यों फील किया, क्योंकि आपको हर एक पॉइंट अलग अलग नजर आए। तो अब कहां पर है ये, इन दोनों को जोड़ने वाली बीच में कौन आ रहा है, ये वाला पॉइंट आ रहा है, मतलब इस जगह पर है सोडियम। इसी तरह से इसका पड़ोसी ये है सोडियम, सोडियम, फिर ये
यहां पर ये सोडियम, फिर नीचे आओगे तो ये क्लोराइड है, तो ये सोडियम होगा, ये सोडियम होगा, तो ये देखो यहां पर इस जगह पर, इस जगह पर। तो सोडियम कहां कहां पे आ रहा है देखें, इन जगहों पर आ रहा है सोडियम जी। तो सोडियम आया कुल 12, कितने स्थानों पर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ये 13 जगहों पर आ रही है। और क्लोराइड कौन सा स्थान ग्रहण कर रहा है, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 तो क्लोराइड आ रहा है 15 स्थानों पर और सोडियम प्लस आ रहा है कितने जगहों पर, 14 स्थानों पर। लेकिन इसकी संख्या कितनी है ये भी हमने कैलकुलेट करा था, तो यहां पर आपने, यहां पर कैलकुलेशन नहीं करूंगा क्योंकि हम इसको पढ़ चुके हैं, बस आपको हल्का फुल्का रिवीजन आपको दे दें। तो इस रिवीजन में देखें Na प्लस की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ Na प्लस की संख्या कितनी है 4 और Cl माइनस की संख्या कितनी है 4। और क्यों है आपको पता चल गया है, आपको बताया जा चुका है, आप सब ध्यान रखेंगे सारे बच्चे, थर्ड देखें कि यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर की बात आती है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर Cn ऑफ Na प्लस और कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl माइनस, इसके बारे में पता चला कि Na प्लस जो है कितने, ये जो Na प्लस है कितने Cl माइनस से घिरा हुआ, देखो आगे पीछे 2 हो गया, इधर इधर जाते हैं तो ये टोटल हो गया 4 और ऊपर की तरफ जा रहे हैं और नीचे की तरफ जा रहे हैं, टोटल 6 से घिरा हुआ है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 है और Cl माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर आपने क्या देखें, यहां पर आप ले लो कोई भी Cl माइनस, कोई भी Cl माइनस ले लो, कोई भी ले लो, चलो इसको ले लेता हूं, तो इस तरफ जाने पर 1, तो इस तरफ जाने पर भी 1 सोडियम होगा, आगे पीछे 2 सोडियम हो गया, फिर ऊपर और नीचे फिर 2 सोडियम हो गया, यानी कि ये भी 6 से घिरा हुआ है। यहां पर ऊपर में जाते हैं तो दोनों का अनुपात क्या हुआ, Na प्लस और Cl माइनस का रेशियो है 4:4 यानी कि 1:1। ये भी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 1 को भी, कोऑर्डिनेशन नंबर को भी देखे तो 1:1 ही है, यानी कि इसका फॉर्मूला जो है NaCl बिल्कुल राइट है, यानी जितनी जैसा फॉर्मूला में होगा अनुपात वही चीजें उसके यूनिट सेल में भी होगा, उसके क्रिस्टल में भी होगा। तो ये एक बात हुई। एक और चीज है जो आपको याद रखना चाहिए वो ये है, इन्हीं चीजों को हम यूज करने वाले हैं बेटा आगे जाके, वो है कि रेडियस रेशियो R प्लस बाय R माइनस, इसका आपने कैलकुलेट किया था कितना 0.525 या कहीं पर 526 भी लिखा हुआ मिलता है, कुछ एक बुक्स में 414 लिखा हुआ है, जबकि वो रेंज है 0.414 से 0.732 के रेंज में बीच में आएगा, क्योंकि इसके आयनिक आकार क्लोराइड का बड़ा है इस वजह से ऐसा होता है। तो चलिए दोनों की अगर तुलना करें, मतलब सोडियम और क्लोराइड के आयनों की तुलना करें, दोनों के आकार की तुलना करें, तो ये थोड़े बड़े रेंज में जाता है, इसलिए इसका वैल्यू कितना है 0.525 आता है। फिलहाल यहां पर आपने क्या देखा था, और कि ये देखिए क्लोराइड को सोडियम ने घेरा हुआ है, अगर मैं इसका एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, काल्पनिक रेखा ड्रॉ करूं, तो हमें कुछ ऐसा नजर आएगा, ये देखिए, और इनके साथ अगर इसको मिला दूं तो ये देखो ये चार फलक वाला एक पिरामिड बन गया, नीचे के साथ भी ज्वाइंट करते हैं तो इस तरह से चार फलक वाला पिरामिड मिला, यानी कि ये मिल जाता है हमें अष्टफल की संरचना। तो जो भी बातें आपको हुई है पिछली क्लास में ये मैंने आपके सामने रख दिए हैं, तो अब हम अगले क्लास के लिए, अगले टॉपिक में जाने के लिए हम तैयार हो जाएं। अब देखें ये जो हमने पढ़ा था NaCl में, वो सारी चीजें थ्योरी मैंने एक बार और लिख दी है यहां पे, तो इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो और जल्दी करो, इसका इंग्लिश वर्जन नहीं लिखा हुआ है, हिंदी वर्जन है, तो इसको आप पहले नोट कर लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, जल्दी से फास्ट स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए तो जो जो बातें यहां पर कहा गया था, कि यहां पर बोला गया है कि भाई हमने Na प्लस को खोखले दाने, खोखले गोले से दर्शाए, यहां पर इसको काले गोले से दर्शाए हैं, Cl माइनस को यानी यहां पर लिखा हुआ है। मैं इसको बार बार रिवीजन इसलिए करा रहा हूं कि जितनी बार आप रिवाइज करोगे, ये चीज समझ में आ गया तो आगे जो 3 और है उसको समझने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, कुछ एक बातों को याद रखने के अलावा बाकी एकदम आसान है ये।
सोडियम क्लोराइड बस थोड़ा सा लगेगा आपको, तो ये खोखला हो गया, ये गोले हो गए, इस तरह दर्शाया गया है। दूसरी बात है इसकी यूनिट सेल कैसा है, फलक केंद्रित घनी यूनिट यानी कि FCC है, FCC है। दूसरी बातें कह रहे हैं यहाँ पर सोडियम आयन क्लोराइड आयनों के अष्टफल की रिक्ति के मध्य होता है, जैसे कि अभी देखे थे अष्टफल की रिक्ति मध्य है, अगर क्लोराइड का अष्टफल की संरचना है तो उसके बीच में सोडियम आयन है, और सोडियम के अष्टफल की रिक्ति है तो उसके बीच में है क्या है, क्लोराइड आयन है। तो इस तरह के आपने देखा, तो ये बातें यहां पर लिखा हुआ है। प्रत्येक सोडियम आयन अपने से 6-6 विपरीत आयनों से घिरा होता है, इसी प्रकार से यानी सोडियम और क्लोराइड आयन इससे घिरा होते हैं, यानी कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6-6 है। त्रिज्या अनुपात जिसको रेडियस रेशियो कहते हैं 0.5:5 है। बिल्कुल क्लियर है, हमने इसको देख लिए हैं। हम आगे चलते हैं एक स्टेप और, फिर देखें यहां पे कि प्रत्येक यूनिट में सोडियम और क्लोराइड आयनों की संख्या कितना होता है, 4:4 होती, यानी कि इनका अनुपात कितना 4:4 होता है, यानी कि ये 1:1 में होता है। बातें हो गई, चलिए ये बातें कहते हैं। सामान्य तापमान पर और सामान्य दाब पर, जिस टेम्परेचर पर हम रहते हैं, जिस दाब और प्रेशर ताप और दाब पर रहते हैं, टेम्परेचर और प्रेशर पर रहते हैं, उस पर लिथियम पोटेशियम रुबिडियम के क्लोराइड ब्रोमाइड और आयोडाइड जो है इसी तरह की संरचना दर्शाती है, यानी जैसा कहा गया है लिथियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड और रुबिडियम क्लोराइड, ये हो गया इसी तरह से रुबिडियम क्लोराइड ना, इसी तरह से बोला गया ब्रोमाइड सोडियम ब्रोमाइड, ये सब इसी तरह का स्ट्रक्चर दर्शाती है। आयोडाइड की बात करें तो ये सब इसी तरह के स्ट्रक्चर दर्शाती है बोला गया है, यानी कि इसकी संरचना किसके समान होती है, सोडियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर के समान होती है। तो ये यहां पर एक नई जानकारी आपके पास है, ठीक है, यानी कि एग्जाम्पल में अगर आप लिखना चाहो तो इस तरह से लिख सकते हो। चलो रविराज झा, आज हमने इंग्लिश को इंग्लिश का नहीं लिख पाए हैं, तो नेक्स्ट टाइम आप करेंगे कोशिश नहीं कम करेंगे ही, आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। चलिए जो मैं समझा वो तो क्लियर हो गया हो बेटा आपको, ठीक है। चलो ये तो देखो आप यहां पर क्या है, जो NaCl का स्ट्रक्चर हमने अभी बनाया था वो यहां पर आपको साफ नजर आ रहा है, कैसा है, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल हाँ या ना में जवाब दे दिया करो ताकि मुझे समझाने में हमें आसानी हो। चलो उसी बात को यहां पर वही NaCl का जो स्ट्रक्चर है, पूरा स्ट्रक्चर जो लैटिस, इसको बोलते हैं लैटिस, क्रिस्टल लैटिस कहते हैं, ये क्रिस्टल लैटिस में इस तरह जमा होगा। हम एक छोटा सा पार्ट की बात करें, जैसे ये वाली पार्ट की बात करें, तो ये है एक यूनिट सेल, इसी यूनिट सेल को हमने एक पार्ट को हमने दर्शाया है, बस इतने एक पार्ट को दर्शाया है। तो इस पार्ट को अलग कर दें, ये पार्ट यहां पर दिख रहा है और उसको, ये रियल फिगर है ये, जिसमें को उसको पार्ट को इस तरह दर्शाएं और उसका उसी पार्ट को, उस पार्ट को हमने यहां पर इस तरह दर्शाएं कि भाई इस कोने में जो भी रहता है, कोने में जो भी गोले रहेंगे उसका 1/8 पार्ट ही होता है, और जो फेस सेंटर्ड में होगा उसका कितना पार्ट होता है अपने हाफ, और जो भी कॉर्नर में होता है, जो भी कॉर्नर में होता है, ये कॉर्नर में होता है, ये होता है 1/4 पार्ट, और अगर जो सेंटर में होगा, अंदर जो होगा, इसके अंदर होगा, वो उसका पूरा 1 पार्ट होता है, यानी फुल पार्ट उसमें होता है माइनस ये प्लस। तो ये है स्ट्रक्चर हमने जो देखा है, ठीक है। जब क्लास कंप्लीट हो जाता है तो अगर जहां पर भी आपको लगे कि कुछ चीजों पे और दोबारा पढ़ना है तो आप उसको रिवाइजली आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, सब कुछ लोड हो जाता है। चलिए अब हम देख रहे हैं कैल्शियम फ्लोराइड की संरचना स्ट्रक्चर, इस पे पूरा ध्यान दीजिएगा, जहां पर मैं आपको एक एक करके आपको बताते जा रहा हूं। यहां पर कैल्शियम प्लस 2 होगा आयन और यहां पर फ्लोराइड माइनस आयन होगा, CaF2 लिखा है, ये पॉजिटिव आयन है, ये नेगेटिव आयन है, इस पर कितना चार्ज है, इसको इधर कर दो तो प्लस पर 2 हो गया, और इसको इस जगह पर नंबर 1 है ना, इसको इधर कर दो तो F पर -1 चार्ज हो गया, तो दो जगहों पर चार्ज है, तो यही है इसमें, ठीक है, ये जनरल आपकी केमिस्ट्री की समझ है। तो कैल्शियम और इसको, कैल्शियम को हम खोखले गोले से दर्शाएंगे और फ्लोराइड को हम भरा हुआ गोले से दर्शाएंगे। ये आप बना चुके हो, आप ऐसा कितनी जल्दी बना सकते हो, एक बार ड्रॉ करो, चलो जल्दी से बेटा इसको बनाओ, एक बार ड्रॉ करो, मैं आपको देख रहा हूं, एक ड्रॉ करो, ऐसे ही स्ट्रक्चर आपके पास ड्रॉ हुए कम से कम 5 तो रख लेना अपने पास।
वीडियो खत्म होने के बाद जो मैं पढ़ाऊंगा उसको दोबारा एक बार देख लेना, लेकिन पहले ड्रॉ कर लेना, ड्रॉ करके रख लेना अपनी कॉपी में, फिर उसके बाद ऐसे ही चीजें। तो अब तो ये बनाने आ जाता है, कैसे ड्रॉ करना मैं पढ़ा चुका हूं। अब क्या करना, वो पेपर रहेगा हम जो अभी समझा रहे हैं, इस वीडियो को दोबारा आप रिवाइज करोगे और जो मैं कह रहा हूं उसको आप ध्यान से सुनोगे अभी, फिर उसके बाद आप उसमें जहां जहां पे फील करने का जैसे मैंने बताया है अपने दिमाग में रखना और वो आसानी से बनने लगेगा। फिलहाल अभी आप यहां पर समझो मेरे साथ। ये आपने आपके पास है, क्या आप लोग अभी ड्रॉ करके दिखाओगे? चलो अभी ड्रॉ करोगे बेटा। चलिए, तो ये स्ट्रक्चर आपने बना लिया। हमने कैल्शियम फ्लोराइड के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो आपका अच्छा जवाब मिला है, मुझे अच्छा लगा। यहां पर आप करेंगे क्या, सबसे पहली बात यह है, देखो कैल्शियम फ्लोराइड, इसमें सारे कैल्शियम को उस जगह पे भरोगे जैसे कि NaCl में क्लोराइड को भरे थे। क्या बोला? यहां पर कैल्शियम को उस जगह पे भरोगे जहां पर NaCl में हमने क्लोराइड आयन को भरा था। समझ में आ गया? तो क्लोराइड आयन को कहां पे भरा था? हमने कोने से स्टार्ट किया था। अब यहां पर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फ्लोराइड आयन को वहां पर भरोगे जहां पर आपने सोडियम को भरा था, ये नहीं कहा मैंने, याद रखना। मतलब सोडियम क्लोराइड को पूरी तरह कॉपी नहीं करना है, सोडियम क्लोराइड के क्लोराइड को कॉपी करना है इसके कैल्शियम के लिए। तो कहां पर है ये कैल्शियम? कोनों पर है, आठों कोनों पर है, यानी कि कैल्शियम है FCC। हम फर्स्ट पार्ट में लिखेंगे यूनिट सेल, Ca+2 का अरेंजमेंट कैसा है? FCC। कैसा अरेंजमेंट है? FCC। तो मतलब ये हुआ कोनों पर, ये लीजिए, ये लीजिए, आठ कोने होते हैं, आठों कोनों पर है कैल्शियम। ओके, आठों कोनों पर है कैल्शियम। अब FCC है मतलब कहां पर होगा? फलक पर होगा, यानी फेस पर होगा। तो फेस कहां पे इसका? देखिए, जैसे ऊपर वाला फेस ये हो गया, नीचे वाला फेस ये हो गया, साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड का ये हो गया, राइट हैंड साइड का फेस ये हो गया, उसके सेंटर पर सामने वाला फेस ये हो गया और पीछे वाला फेस ये हो गया। चलिए आप पहले ये कर लीजिए, हो गया क्या बताना, भर लिए क्या ये भी बताना। अब समझने वाली बात जो है ना, अब शुरू हो रही है, थोड़ा ध्यान देना बेटा। यहां पर आप इसे ध्यान से देखो, एक बड़ा सा क्यूब है, उस क्यूब में हमने ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, यानी तीन दिशाओं में हमने इसको काट दिया है, दीवार बना दिया है। इन तीनों दिशाओं में जो दीवार बने हुए हैं इसके आधार पर ये कटने से क्या हुआ कि ये एक क्यूब आठ छोटे छोटे क्यूब से बना हुआ नजर आ रहा है। नजर आ रहा है? बोलो। तो मैं आपको नहीं नजर आ रहा होगा तो मैं दिखा देता हूं। जैसे मैं ये इस छोटे से क्यूब को हाईलाइट करता हूं, ये लीजिए, ये इस छोटा सा क्यूब को हाईलाइट कर दिया, जस्ट उसके पीछे दूसरा है, इन दोनों के साइड में दो और है, यानी कि चार हो गए, उन चारों के नीचे चार और है, तो हो गया टोटल आठ। आठ सब क्यूब है, उप घन है, यानी छोटी इकाइयां हैं क्यूबिक रूप में। बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा होगा? देखो, यस हो गया, वेरी गुड, यस नो में जवाब देते जाना बेटा, अच्छा लगेगा। फिर बात करें, ये कितने हो गए? आठ क्यूब हो गए छोटे छोटे। ये जो एक क्यूब को मैं बाहर निकाल लेता हूं आपको समझाने के लिए, ये एक क्यूब है, इस तरह से मैंने इनको बाहर निकाल लिया। इसको जब मैंने बाहर निकाला तो ध्यान से देखिए कि इस जगह पर है कैल्शियम, इस जगह पे नहीं है, इस जगह पर है, इस जगह पर नहीं है, इस जगह पर है, इस जगह पर नहीं है, इस जगह पे, यानी कि अल्टरनेट पॉइंट पर है। बिल्कुल देखो, बिल्कुल इसकी कॉपी हो गई है जी, हो गया? यस सर, नो सर, बताते जाओ बेटा। हाँ हो गया, बोलो जल्दी से। ये हो गया इस टाइम, ये चीजें हो गई। अब बेटा ध्यान रखो, इस क्यूब का सेंटर पॉइंट क्या है? अगर आप ध्यान दो तो सेंटर पॉइंट किसी भी देखो किसी स्क्वायर का सेंटर कैसे निकालते हो? ऐसे निकालते हो, तो ये सेंटर निकल गया, ठीक है। लेकिन किसी क्यूब का सेंटर कैसे निकालोगे?
किसी क्यूब का सेंटर निकालने के लिए, ये देखो ये पूरा फेस है फर्स्ट वाला सामने वाला, तो उसके इस कॉर्नर को और पीछे वाले के उसके अपोजिट कॉर्नर को अगर आप इस तरह से एक काल्पनिक रेखा से जोड़ दें, अभी फिलहाल समझा रहे जोड़ने के लिए, इस तरह जोड़ दें। दूसरी बात, इसी तरह से अगर इस पॉइंट को लियो तो इस पॉइंट को लेते हो सामने वाला फेस का, तो पीछे वाले का अपोजिट वाला ये वाला होगा, इनको जोड़ दिए तो देखो ये एक सेंटर मिल जाता है। ऐसे लग रहा है कि इन दोनों के बीच में एक रस्सी लगा दिया जाए, लगाया दिया गया है और यहां पर भी एक रस्सी लगा दिया गया है, ये सेंटर पॉइंट है। इसी सेंटर पॉइंट में होगा फ्लोराइड। बात समझ में आ गया? पर ये सिर्फ काल्पनिक रेखा है, आपको ऐसा कुछ नहीं बनाना है, यहां पर ऐसा कुछ नहीं बनाना है, नहीं तो फिर वो गंदा लगेगा देखने में। चलिए, तो मुझे लगता है कि सबको ये क्लियर है, बचपने से खेल रहे हो आप ऐसी चीजों से। यस, बच्चों ने यस कहा है, मतलब समझ में आ चुका है। तो हम वैसे ही यहां पर हम बात करेंगे, सामने वाला क्यूब जो नजर आ रहा है उसका सेंटर पॉइंट कहां पे होगा। लगभग मैं इसको रेड में ही दे देता हूं, रेड में नहीं ब्लैक में देता हूं। चलिए, इसका सेंटर पॉइंट जहां तक मुझे लग रहा है कि ये इस जगह पर कटेगा और ये यहां पर कटेगा, मतलब इस जगह पे आएगा। पीछे वाले का कहां पे आएगा? इस जगह पे आएगा। सो सामने वाले के केंद्र में एक फ्लोराइड, पीछे वाले के क्यूब के अंदर में एक फ्लोराइड, ऐसे ही दूसरे तरफ भी, इसी तरह से नीचे भी, यानी जितने भी आपके पास आठ क्यूब है उन आठों क्यूबों के सेंटर में होगा कौन? फ्लोराइड। चलिए, इस तरह से अगर आप काल्पनिक रूप से सोचो तो इसकी संरचना कैसी नजर आ रही है, ये देखिएगा। इनके केंद्र बिंदुओं को अगर आप मिलाते हो इस तरह से, तो एक क्यूब नजर, देखो कैसे नजर आ रहा है, देखो तो ऐसे। तो अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, इसको भी ऐसे कर दूं, तो देखो क्या नजर आ रहा है, एक क्यूब नजर आ रही है। मतलब इसकी संरचना जो है क्यूबिक संरचना है, और कैसी क्यूबिक संरचना है? ओनली क्यूबिक। तो देखें, फ्लोराइड जो है एक तरह से देखा जाए तो बी, क्या बोलते हैं, एससीसी संरचना है, एफसीसी, और ये एससीसी संरचना है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है। इसमें किसी भी केंद्र, इसके ना तो किसी मध्य में या ना फेस में कोई भी क्या आ रहा है, ये क्या बोलते हैं इसको, फ्लोराइड आ रहा है। मतलब ये एससीसी के फॉर्म में इसका यूनिट सेल बन रहा है। यानी फुल, अगर किसी ने पूछा कैल्शियम फ्लोराइड में कौन सा है, तो सिंपल से एफसीसी ही लिखना, लेकिन कैल्शियम के कंडीशन में एफसीसी है पर फ्लोराइड के कंडीशन में एससीसी है। ठीक है, जो साफ नजर आ रहा है आपको फिलहाल, उसको अभी मैं आपस में ज्वाइन नहीं कर रहा हूं, नहीं तो फिर यहां पर गंदा दिखेगा। ये आपने ये चीज ड्रॉ कर दिए हैं, वेरी गुड, सारे बच्चे सीख रहे हैं, मुझे भी अच्छा लग रहा है, ये सीखने की बारी है, सीखना है ये आपको। चलो ठीक है, अब चलते हैं दूसरी बातें कि भैया नंबर ऑफ Ca प्लस टू आयंस कितने हैं। तो हम लिख सकते हैं Ca प्लस टू आयनों की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ Ca प्लस टू आयंस। चलो पता लगाते हैं कहां कहां पर है Ca प्लस टू आयन, कहां कहां पे बेटा, देखो तो Ca प्लस टू आयन कोनों पर है और आठ कोनों पर है, और कहां पर है, फलक पर है, तो छह फलकों पर है। तो आप ये काम कर चुके हो, आपको आता है ये काम, तो लिखोगे आठ कोनों पर प्लस सिक्स फलकों पर, सिक्स फलकों पर, तो क्या हो गया, एट इंटू वन बाई एट प्लस सिक्स इंटू वन बाई टू, तो हो गया वन प्लस थ्री, यानी कि हो गया फोर। यहां पर कैल्शियम आयनों की संख्या है, सॉरी कहां जी, कैल्शियम आयनों की संख्या है फोर। ठीक है, फोर इस यूनिट सेल के अंदर कितने हैं, फोर कैल्शियम आयन है। अब हम किसकी संख्या कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ एफ माइनस आयन, तो बोलो कहां पे है, सारे जो ये जो है गोले हैं फ्लोराइड आयन का, वो पूरे इसके एकदम बीच में तो नहीं है, लेकिन उसके अंदर ही तो है, यूनिट सेल के अंदर है, तो यूनिट सेल के अंदर है, मतलब उसको केंद्र पर माना जाता है, सेंटर पर माना जाता है। तो क्या हो गया, आठ केंद्र पर, इसका मतलब है एट इंटू वन इज इक्वल टू एट।
अगर इसका रेशियो देखो तो क्या मिलेगा, सी ए प्लस टू रेशियो एफ माइनस, तो मिलेगा देखो कितना हुआ 4:8, यानी कि 1:2, यानी क्या मिल गया, क्या मिल गया, सी ए एफ टू। फॉर्मूला चेक कर लो, सी ए एफ टू। सो इस तरह से क्या मिला, सी ए एफ टू आपको दिखाई दे रहा है। क्लियर है, नोट कर लें, वेरी गुड वेरी गुड। अब ये बात बेटा आपको बनाने आ गया, यही है कैल्शियम फ्लोराइड का स्ट्रक्चर, और भी दो तीन बातों पे बात करेंगे, अभी देखते जाइएगा। अब देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, नंबर 3 कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सीए प्लस टू। एग्जाम में आता है ना सब क्वेश्चन कि कैल्शियम आयन का कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कैल्शियम फ्लोराइड स्ट्रक्चर में, तो अब ये देखना कि कैल्शियम आयन को कितने फ्लोराइड आयन ने घेरा है। ध्यान दीजिएगा, ये आप देख रहे हो एक कैल्शियम है, कहीं से भी सोचो आप, ये है कैल्शियम है, ये है ये कैल्शियम है। तो चलिए इस पॉइंट से ध्यान देते हैं, इस ये कैल्शियम कहां पर है, फेस पर है, उसका आधा हिस्से पर अगर बात करें तो आधे भाग जो है ये 4 छोटे छोटे क्यूब से जुड़ा हुआ है। यानी अगर आप ध्यान दो तो आपको क्या नजर आ रहा है, यहां पर नजर आ रहा है कि ये इसके साथ इसके पड़ोसी हैं, इनके साथ संबंध है इनका, दोनों क्यूब के नीचे वाला और दोनों क्यूब ऊपर वाले के साथ इनका संबंध है, यानी इन 4 से घिरा हुआ है। तो आधा भाग भी उसी तरह से 4 और से घिरा होगा, आधा भाग, आप समझ रहे हैं ना, कैल्शियम यहां पर जब फेस पे होता तो आधा होता है ना, तो आधे भाग में ये 4 छोटे छोटे क्यूब आ रहे हैं और इसके आधे भाग में वैसे ही 4 और छोटे छोटे क्यूब आएंगे। जब आप NaCl का यानी जब आपने यूनिट सेल पढ़ा, लेटिस क्रिस्टल पढ़ा, यानी क्या बोलते, तब उस जगह पर आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि ये सिर्फ पार्ट है, ठीक है, हर एक यूनिट का बाकी पार्ट जो होता है अगले दूसरे यूनिट में होता है। सो देखें इस तरह से ये कितने से घिरा हुआ है, टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 से घिरा हुआ है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ 8। कहीं से भी जाइए, कहीं से भी जाइए, इस जगह पे जाए तो 1/8 पार्ट है, तो उसमें तो उसके को ये जो गोला है कोने पर उसका 1/8 भाग जो होता है वो इस यूनिट सेल का पार्ट होता है, और इस यूनिट सेल में क्या है हमारे पास, ये फ्लोराइड है। तो पूरे 8 कोनों के साथ जुड़ा हुआ, 8 क्यूब के साथ जुड़ा हुआ है। सो सबके लिए अगर बोला जाए, एक कैल्शियम को 8 फ्लोराइड ने घेरा हुआ है, इस तरह से हो गया इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8। चलिए ये तो क्लियर हो गया। चलिए अब दूसरी बात होता है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ F माइनस। बताओ F माइनस, मैंने अभी ये वाला पार्ट निकाला था बाहर, तो वो फिर से आपको निकाल देता हूं दिखाने के लिए। इसके बीचों बीच है आपका फ्लोराइड, लेकिन अगर जब इसको बाहर निकालते हो तो कैल्शियम यहां पर है, एक जगह छोड़ करके इस जगह पर है, फिर एक जगह छोड़ करके यहां पर है, और एक जगह छोड़ करके यहां पर है। यानी टोटल कितने से घिरा हुआ है, ओनली 4 से घिरा हुआ है, जो यहां पर भी नजर आ रहा है कि इस क्यूब के अंदर ये वाला इनसे घिरा हुआ है, इनसे है, इनसे है, और यहां पर जो एक कौन सा वाला पार्ट आ जाएगा, हाँ 1, 2, ठीक है ठीक है, तो इससे और एक जो है कहां से है, इस जगह से है, तो इससे 4 से घिरा हुआ है, हमने साफ करते समय वो मिट गया हमसे, तो कितने से घिरा हुआ है, 4 से घिरा हुआ है, मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 4। आप फिगर बनाने अगर आ जाएगा तो सारी जानकारी वहां से आप ढूंढ सकते हो, ठीक है। अब ध्यान दो इससे क्या समझ में आएगा हमें बताना है आपको। चौथा है क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड वॉइड, वॉइड यानी अंतराकाशीय रिक्ति, खाली स्थान, जबकि हम सोडियम क्लोराइड समझाते समय ये बताया था। जरा समझो, दोनों के लिए अलग अलग होगा, कैल्शियम के लिए भी अलग होगा और फ्लोराइड के लिए भी अलग होगा। कैल्शियम किस तरह से है, कैल्शियम जो है
फ्लोराइड को चार जगहों से घेरा हुआ है, एक दो तीन चार, चार जगहों से घेरा हुआ है, एक दो तीन चार। कैल्शियम चार जगहों पर है तो चार पड़ोसी हुए कैल्शियम के, जब चार पड़ोसी हुए तो इसका मतलब है कि उसका कैल्शियम का क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसा होगा और उसका वॉइड यानी रिक्ति कैसा होगा, अंतराकाशीय रिक्ति भी बोलते हैं, इंटरस्टाइशियल स्पेस कहते हैं, वो कैसा होगा, चार से घिरा हुआ यानी चतुष्फल की यानी टेट्राहेड्रल होगा स्ट्रक्चर होगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। इसी तरह से फ्लोराइड देखो, फ्लोराइड कहां से है, ये एक फ्लोराइड जो है देखो, आठ फ्लोराइड जो है इसको घेरा हुआ है कैल्शियम को, आठ फ्लोराइड कैल्शियम को घेरा हुआ है। तो अगर आप देखो तो कैसा है इसका स्ट्रक्चर, देखो इस तरह से है, जब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो, आठ हो, तो उसका स्ट्रक्चर जो होगा वो कैसा होता है, क्यूबिक होता है, क्यूबिक। तो इस जगह पर फ्लोराइड किस का जो संरचना है वो कैसा है, का स्ट्रक्चर है क्यूबिक, यानी कि घनी स्ट्रक्चर है, घनी संरचना है इस तरह से। वेरी गुड। तो इस तरह से बेटा आप सब इस चीज को, जब कोई चीज ना समझ में आए तो मेरा कहना है कि हर हर एक क्लास को दुगुना तिगुना तीन बार चार बार पांच बार पढ़ सकते हो। ये लाइव क्लास की बहुत बड़ी एडवांटेज है कि हम जो भी चीज हम पढ़ते हैं टीचर से, उस टीचर से हम दोबारा या तिबारा नहीं पढ़ सकते, उस क्लास में दोबारा नहीं जा सकते हैं, आप एडवांटेज ले रहे हो इस तरह की चीजों का। तो चलिए ये बात हो गया, तो ये क्या क्या मिला, कैल्शियम का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर और फ्लोराइड माइनस है ना, गलती से मैं लिख दिया है, कैल्शियम 2 प्लस और फ्लोराइड माइनस का ये क्या मिला, कौन सा स्ट्रक्चर, फ्लोराइड कैसा कैसे बना हुआ है, फ्लोराइड क्यूबिक बना रहा है, और कैल्शियम कैसे बना रहा है, देखो ये कैल्शियम है, कैल्शियम कैसे स्ट्रक्चर बना रही है, क्यूब के चार कोनों पर है, यानी कि वो चार दिशाओं से घिरा हुआ है, और चार दिशाओं से जब क्यूबिक घिरेगा तो वो बनाता है टेट्राहेड्रल यानी कि चतुष्फल की संरचना। मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, यह है चतुष्फल की, और नीचे वाला दिखा हुआ है क्यूबिक, क्यूबिक यानी कि घनी, दोनों तरह की संरचनाओं में ये मिलते हैं इस तरह से। एक फाइनल बात जो मुझे लिखना चाहिए वो है रेडियस रेशियो आर प्लस बाय आर माइनस, ये चीजें आपको सिर्फ याद रखना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। ये है इसका आता है कैल्शियम फ्लोराइड का 0.732 से 1 तक जब होता है तब वो क्या होता है, क्यूबिक स्ट्रक्चर की तरफ जाता है। सो देखो आप क्यूबिक में भी इसमें नजर आ रही, क्यूबिक स्ट्रक्चर नजर आ रही, देख लो, तो वही कहानी है इसकी भी। तो आपने किसका देख लिए, जो स्ट्रक्चर देखिए वो किसका है, ये जो स्ट्रक्चर देखे हो वो है कैल्शियम फ्लोराइड का। आपको जहां पर भी कोई बात हो तो बिल्कुल बताएंगे जी। बहुत बढ़िया बेटा, मेरे सारे स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं, यहां पर नजर आ रहा है। तो ये हुआ कैल्शियम फ्लोराइड का स्ट्रक्चर, ठीक है। आप जो भी नोट करना है आप नोट कर लीजिए इसमें से, और इसका एक थ्योरी बनाएंगे। हमने हिंदी और इंग्लिश को यहां पर क्लासिफाई नहीं किया है कि ये हिंदी वाला स्टूडेंट है ये इंग्लिश वाला है, तो हम दोनों को ही प्रोवाइड करेंगे, दोनों को मिल जाएगा दोनों पार्ट में, ठीक है। जो जो कह रहे हैं सबको मैं अलग अलग नहीं करके मैं दोनों को भेजूंगा, हिंदी में भेजूंगा इंग्लिश में भेजूंगा, तो आप दोनों में से जो आपका रहेगा वो रखना, दूसरे को डिलीट कर देना, ठीक है। चलिए तो ये हो गया बेटा सबका, ठीक है। तो चलिए मैं आपको एक बार पूछना चाहता हूं आप सबसे, जो पूछ रहे हैं ना आप लोग कि सर सुबह 6:30 बजे हो जाता है, गलत टाइमिंग है, तो ये हो गया हमारा ये क्लास इसके लिए, बस इसी ये बना के पहले रख लेना, फिर इसको फेल करना। चलो मैं एक बार फटाफट एक बार कर देता हूं रिवीज, आज की क्लास थोड़ी सी बड़ी होने वाली है। चलिए यहां पे क्या करते हैं, कैल्शियम फ्लोराइड में हमने कैल्शियम प्लस टू को हमने खोखले गोले से लिया है, एफ माइनस को हमने भरे हुए गोले से लिया है, तो ये है कैल्शियम आपने भर दिया कोनों पर और फेस पर, ये लीजिए, ये दीजिए, ये लीजिए। एक बार समझ जाने के बाद कैसे भी करके आप भर सकते हो, वही वही होगा। दूसरा
फ्लोराइड कहां पे है, केंद्र पर, आठों केंद्र पर, इस तरह से बस ये स्ट्रक्चर बन गया, हो गया, बन गया, बन गया, कुछ नहीं रखा है। बस इसकी थ्योरी पे थोड़ी सी मेहनत कर लीजिएगा बेटा। जो थ्योरी दूंगा मैं पीडीएफ में, उसे भी अपनी कॉपी में एक बार आप नोट करेंगे अपने स्टाइल में, अपनी लैंग्वेज में, मेरे लैंग्वेज में नहीं, किसी बुक के लैंग्वेज में नहीं, आप अपनी लैंग्वेज में उसके उसे आप नोट करेंगे। चित्र बनाना पड़ेगा और प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब बेहतर कर पाओगे। ओके, तो चलिए हमने देख लिया ये कैल्शियम फ्लोराइड। अब कैल्शियम फ्लोराइड जान गए तो आपको बहुत आसान हो जाएगा जिंक सल्फाइड। चलिए मैं इसको जिंक सल्फाइड में कन्वर्ट कर रहा हूं, यहीं पे बता रहा हूं ना, Zn प्लस टू आयन और S माइनस टू आयन। जिंक को खोखले गोले से दर्शा देंगे और इसको, तो मैं यहां पर थोड़ा उल्टा करके दिखा रहा हूं, ऐसे करके दिखा रहा हूं ताकि उसी चित्र के साथ आपको समझा सकूं। चलिए तो ये आप समझोगे बेटा, यहां पर इन जगहों पर, चलिए नेक्स्ट में देख लेता हूं, और फिर फिगर है ये जिंक सल्फाइड का है, तो जिंक सल्फाइड में दिखा दे, तो वही बताऊंगा मैं आपको। चलिए, जिंक प्लस टू खोखले गोले से, सल्फाइड माइनस टू भरे हुए गोले से हम इसको दर्शा रहे हैं। अब यहां पे क्या करेंगे उसे समझेंगे। जिंक और सल्फाइड, जिंक को कहां रखेंगे और सल्फाइड को कहां रखेंगे। आप एक काम करें, ये सल्फाइड को हम एक कोनों पर लगा देते हैं। चलिए, तो ये एफसीसी है, एफसीसी आप समझ में आ गया है कहां पे रखना है। सल्फाइड जब एफसीसी में आए तो इसकी संख्या कितनी होगी, वन, कोनों पर आठ, आठ एट है, इंटू वन बाई एट यानी कि वन। ओके, चलिए जिंक को कहां पे लगाएंगे। जिंक देखे अभी देखे थे, आपको याद है कि यहां पे आठ क्यूब है, आठ क्यूब है, और आठ क्यूब का सेंटर की बात करते हैं तो देखो ये सेंटर है, सेंटर को मैं पॉइंट वाइज दर्शा रहा हूं, दिखा रहा हूं, ये लीजिए इस जगह पर हो गया आठ पॉइंट में। ये इस आठ पॉइंट में आठों जगह पे नहीं होगा, अल्टरनेट ऑर्डर पे होगा। तो देखे ये पहले वाले में है तो इस साइड के पीछे वाले में नहीं है, फिर उसके पीछे वाले में जाते हैं तो इस जगह पे होना चाहिए, इस जगह पे होगा और ये सामने वाले में नहीं होगा। नीचे आते हैं तो इस सामने वाले में होगा तो इस जगह पे नहीं होगा, फिर इस जगह पे होगा क्योंकि उसके सामने वाले में यहां पे नहीं होगा, फिर है नहीं है, है नहीं है, है नहीं है, है नहीं है, कैसे भी करके आप समझ लो। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि जिंक जो है, देखो जिंक जो है कुल चार जगहों पर है, चार केंद्रों पर है। आप इस तरह से जिंक सल्फाइड के स्ट्रक्चर को कर सकते हैं। अगर आप उल्टा करना चाहें, इस जगह पर जिंक भरना चाहें और इस जगह पर सल्फाइड, तो भी भर सकते हैं। इसको कहा जाता है जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंड, हिंदी कोई नहीं है ना, जिंक ब्लेंड कहा जाता है। तो यह है स्ट्रक्चर। हम इनके सारे स्ट्रक्चर को हम एक एक करके देखते जाते हैं, सारी बातों को समझाते जाते हैं। चलिए देखें, हो गया, अब चलो, यानी जस्ट उल्टा भी कर सकते हो, ध्यान रखिएगा, यानी जिंक की जगह, जिंक की जगह सल्फाइड, सल्फाइड की जगह जिंक लिख सकते हो। चलो, वेरी गुड। अब इसके स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें और हम इनकी संख्या बताएं कैसा है। तो सबसे पहली बात है, इसके यूनिट सेल है एफसीसी, अपोजिट करेंगे चाहे जिंक के साथ देखें या सल्फाइड के साथ देखें, अपोजिट करेंगे तो वही स्ट्रक्चर आएगा। चलो, दूसरी बात है, कैलकुलेट करते हैं जिंक आयनों की संख्या, नंबर ऑफ Zn आयन, तो क्या होगा जिंक आयनों की संख्या। जिंक कहां पर है बेटा, देखो तो केंद्र पर है, चार केंद्र पर, फोर केंद्रों पर, एट सेंटर, फोर सेंटर, तो फोर इंटू सेंटर का वैल्यू वन, सेंटर का वैल्यू वन, तो कितना हुआ फोर। तो यहां पर जिंक आपको मिल गया फोर। सल्फाइड आयनों की संख्या देखें, एस टू माइनस की संख्या देखें, इसकी कितनी मिलेगी, सल्फाइड आयनों की संख्या है कहां पर है बेटा बोलो, आठ कॉर्नर पर, एट कॉर्नर, एट केंद्र पर, प्लस कहां पर है, सिक्स फेस पर, फलकों पर,
तो कितना हुआ, केंद्र कहाँ होगा, ये तो कोना है ना, किनारा है, कॉर्नर्स है, वर्टाइसेस है, कोने पर, कोनों पर। तो 8 × 1/8 प्लस 6 × 1/2 तो कितना हो गया, 1 + 3 = 4। रेशियो क्या मिल रहा है, देखो तो रेशियो क्या मिल रहा है, Zn+2 रेशियो S-2 हमें मिल गया, कितना 4:4 यानी कि 1:1, 1:1 Zn+S मिल गया। चलो नोट कर लो जल्दी से। आशीष सिंह, हाँ आशीष सिंह, बिल्कुल आशीष सिंह, पहले इसको कर लो पहले, फिर बताता हूँ क्या पॉइंट है। पहले इसको कर लो सारे बच्चों के लिए, बताना शुरू करेंगे। आशीष सिंह सिर्फ आपको ये तकलीफ हुई है कि जैसे उसमें सब जगह पे भरे थे ना, सारे केंद्र पर भरे थे ना, यहाँ पर सल्फाइड को, जिंक को हमने केवल 4 जगहों पर भरे। जब 4 जगहों पर भरते हैं आशीष सिंह, तो बात समझे मेरी बात, कि 4 जगहों में से कैसे होगा, 8 पॉइंट है तो 4 जगह पे कैसे भरेंगे, एक जगह भरेंगे, दूसरी जगह नहीं भरेंगे, फिर भरेंगे, फिर नहीं भरेंगे, बस यही कहानी है। 1, 2, 3, 4 तो 1, 2, 1 पर भरेंगे, 2 पर नहीं भरेंगे, 3 पर भरेंगे, 4 पर नहीं भरेंगे। नीचे आ जाओ उसी के, इस जगह भरेंगे, नहीं भरे थे ना, इस जगह भरेंगे, फिर अगले जगह पे, अगले केंद्र पर नहीं भरेंगे, फिर उसके सामने आ जाओ, फिर भरेंगे, फिर नहीं भरेंगे, बस यही कहानी है। एक बार प्रैक्टिस करो, समझ में आ जाएगा। ये वीडियो जब भी कोई क्लास करते बेटा, तो आपको डबल केमिस्ट्री का, डबल क्लास करने का मौका मिल जाता है, ऑनलाइन क्लास का एक बड़े मजे हैं, यही बात बताना चाहूंगा। तो जो भी आप पढ़ेंगे, आप दोबारा एक बार शाम तक एक बार और देख लो, पूरा चांस है कि आप पूरी तरह समझेंगे। ये क्लास जो है अभी जो चल रहा है, ये आज दिन भर इस जगह पे, इसी लिंक पे मिलेगा, फिर कल से ये जो है आपको किस लिंक पे मिलेगा, आपके विद्याकुल के लिंक पर मिलेगा लाइन से। फिलहाल ये बात तो हो गई, चलो ये हो गया। अब मैं कोऑर्डिनेशन नंबर की तरफ जा रहा हूं, नंबर 3। अब देखेंगे Zn+2 का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, समन्वय संख्या बोलते हैं ना हिंदी में। Zn+2 को देखो यहां पर कौन सा है और कितने से घिरा हुआ है। चलिए आपको यह पता है कि इस क्यूब के सेंटर में यह Zn है, इस क्यूब के सेंटर में है यह, जो अपने क्यूब बनाए हैं इस क्यूब के सेंटर में है यह। तो इस क्यूब में देखो, इस क्यूब में कितने सल्फाइड है, एक, ये इनसे संबंध है, इनका इससे संबंध है, इनका इनसे और इनका इससे, इस तरह से 4 से घिरा हुआ है। जब 4 से घिरे रहेगा तो उसके, यानी कि जिंक का पड़ोसी आयन कौन सा है, ये सल्फाइड है और कितने पड़ोसी आयन है, 4 सल्फाइड पड़ोसी आयन है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ 4। पहले भी ऐसी बातें देख चुके हैं, ठीक है। अब दूसरी बात होगी सल्फाइड आयन का, S-2 का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, CS-2 का कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पर देखेंगे। CS-2 का कोई भी एक CS ले लो, S-2 ले लो, सल्फाइड आयन ले लो, कोई भी सल्फाइड आयन ले लो। चलो मैं ले लेता हूं यहां से, कोई भी सल्फाइड आयन ले लेते हैं, चलिए आपके लिए आसान हो जाएगा, इसी को ले लेते हैं, यहां पर है। इस सल्फाइड आयन के हाफ पार्ट में, इस तरफ 4 क्यूब है, 4 में से केवल 2 से घिरा हुआ है इस साइड, तो इधर के हाफ में भी देखें कि 2, 4 इधर भी है, उसके क्यूब इससे घिरा हुआ 4 क्यूब, ये देखो इसका 4 क्यूब है इस तरफ, तो 4 क्यूब इधर भी होगा, उसके केंद्र पर है, यानी कि यह भी कितने से घिरा होगा, 4 से घिरा होगा, लेकिन 4 में से सिर्फ 2 के केंद्र पर होगा ये वाला आयन, यानी जिंक आयन। सो इस तरह से ये भी 4 दोनों तरफ मिलाकर टोटल किया जाए तो कितने से घिरा हुआ है, 4 से। तो सल्फाइड आयन 4, जिंक आयन से घिरा हुआ है, इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पर 4। तो इनका भी रेशियो हुआ 4:4 यानी कि 1:1 कोऑर्डिनेशन नंबर का हो गया। चलो अब देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर से हमें क्या मिलता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिलता है, यानी क्रिस्टल संरचना मिलती है, और क्या मिलता है, अंतराकाशीय रिक्ति मिलती है, अंतराकाशीय रिक्ति जिसको कहा जाता है वॉइड। इसकी संरचना जो होगी
चार, जब कोऑर्डिनेशन नंबर ऐसा होता है तो चार होता है तो उसकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसी होती है? टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकी। तो इस तरह से ये इसका स्ट्रक्चर हो गया दोनों का, जिंक का भी और सल्फाइड का भी। कैसा मिलेगा आपको? टेट्राहेड्रल। इसका मतलब हुआ कि ये जिंक के टेट्राहेड्रल वॉइड पर के मध्य में सल्फाइड आयन है और सल्फाइड के टेट्राहेड्रल वॉइड के मध्य जिंक आयन है। चलो देखो, नोट करो इसको। एक फाइनल आपको एक बात बता दें, वो भी है, इसको समझेंगे, रेडियस रेशियो। रेडियस रेशियो को याद करना पड़ता है, रटना पड़ता है। तो इसका रेडियस रेशियो होगा आर प्लस बाई आर माइनस की वैल्यू होगी यहां पर 0.40। आप जानते हो, आपको मैंने बताया था रेडियस रेशियो के बारे में, कितना? 0.155, 0.225, 0.414 एंड 0.732 और लास्ट में है 1। तो ये इसमें रेंज आपको बताया था 3, 4, 6, 8 कोऑर्डिनेशन नंबर बताया था, उसके स्ट्रक्चर बताए थे। तो वो चीजें और भी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। अब बता रहे हैं छोटी सी बात और, चलो लास्ट स्ट्रक्चर हम देखेंगे, जिंक सल्फाइड, सॉरी सीजियम क्लोराइड। सीजियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर को मैं अगर यहां पे ड्रॉ करता हूं, अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरह से किया गया है, तो भी आपको समझा सकते हैं और दूसरे तरह से भी समझा सकते हैं। तो सीजियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर में आपको छोटा सा तरीका बताता हूं, CS प्लस और CL माइनस। CS प्लस को चलो हम इससे, और इसको क्लोराइड को हम इससे दर्शाते हैं, बिल्कुल आसान है। इसमें आप क्या करेंगे, ये जो CS है ना, ओनली कॉर्नर्स पर होगा, केवल केंद्र कोनों पर होगा और कहीं पर नहीं होगा। और क्लोराइड जो है बिल्कुल सेंटर में होगा इस क्यूब के, बस यही इसकी संरचना है। तो इस तरह से, या कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, एक क्यूब बना लेते हैं, अलग अलग बुक के बेस पर रहता है, लोग अलग अलग तरह समझाते हैं, तो हर एक बुक में अलग तरह का समझा हुआ दिख जाएगा आपको। तो यहां पर आपका सीजियम है पूरा और यहां पर आपका क्लोराइड है। कुछ लोग काल्पनिक रूप से इसको और एक्सटेंड कर देते हैं इस तरह से, पर ये काल्पनिक रूप में एक्सटेंड है, ठीक है, यानी कि इस यूनिट सेल के पार्ट के बाहर को दर्शाने के लिए। तो दोनों में से कोई भी तरीके से आप बना सकते हो, जैसे कि मैं यहां पर बना रहा हूं इस टाइप से, तो इस टाइप से आप यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी हो तो ऐसे कर सकते हो। अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरह से समझाया गया है, कुछ बुक्स में और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रूप से समझाया गया है। समझाना वही है थ्योरी में जो मैं यहां पर समझाने वाला हूं। सो मैं थ्योरी में जैसे समझाने वाला हूं, वही चीज मैं यहां पर आपको बता रहा हूं। बहुत फास्ट आप इस चीज को कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या स्पीड ले सकते हैं इसमें। इसकी संरचना कैसी, देखो, कोनों पर है और केंद्र पर है, यानी कि बीसीसी है। फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया कि ये बीसीसी स्ट्रक्चर, बीसीसी टाइप है, बीसीसी नहीं है, ध्यान रखना, बीसीसी टाइप का यूनिट सेल है। बीसीसी टाइप का मतलब, बीसीसी कब होता, जब कोनों पर और केंद्र पर सेम आयन होते हैं। यहां पर अलग आयन है इसलिए टाइप कह दिया गया, उस प्रकार का। दूसरी बात है, सीजियम आयन की संख्या कितनी है, की संख्या कहां पर है, कोनों पर है ओनली, तो 8 कोनों पर, तो कितना हो गया, 8 × 1/8 = 1। क्लोराइड आयन की संख्या कितनी है बताओ, क्लोराइड आयन की संख्या कितनी, ओनली केंद्र पर, एक केंद्र पर, सेंटर पर, तो कितना हुआ, 1 × 1 यानी कि 1। तो अनुपात कितना हो गया, रेशियो कितना हो गया, 1:1, बिल्कुल आसान है। दूसरी तीसरी बात है, कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं, नंबर ऑफ सीजियम, सीजियम आयन। मैंने आपको यहां पर स्ट्रक्चर बना के दिखाया था कि ये जो है और एक्सटेंड होगा, तो हर बार एक सोडियम सीजियम आयन कितने से गिरा होगा, 8 से गिरा होगा, और उसी तरह से क्लोराइड आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर भी 8 होगा। जब 8 होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, तो स्ट्रक्चर होगा क्यूबिक क्रिस्टल, क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर लिख देते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। इसी तरह से ये नंबर हो गया 3, ये नंबर हो गया 4, और हम 5 में चलते हैं कि इसका रेडियस रेशियो, सीजियम क्लोराइड का रेडियस रेशियो आप याद रखेंगे, रेडियस रेशियो को आर प्लस बाई आर माइनस से दर्शाएंगे, आर प्लस बाई आर माइनस, ये हो जाएगा 0.1
0.93 क्यूबिक। कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है तो ये होगा 0.732 से 1.00 के मध्य होगा, तो ये वैल्यू आ रही है। तो इस तरह से इतनी बातें आपको कहना है। हमने आपको वादा किया है कि इस साल आपके बहुत बेहतर मार्क्स आएंगे, तो यार तभी होएगा जब आप मेहनत करोगे मेरे साथ। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।